इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भोपाल ने बता दें कि भूमिगत समाधि के बाद आज बाहर निकलेंगे बाबा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। आपको बता दें कि बाबा पुरुषोत्तमानंद ने यहां पर भूमिगत समाधि ली थी और जिसके बाद से आज वो बाहर निकलने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बता दें कि मंत्रोच्चारण के साथ संतों की मौजूदगी में बाबा बाहर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपके सामने। बता दें 7 फीट गहरे गड्ढे में भूमिगत समाधि में थे बाबा, जो अब से थोड़ी देर बाद अब बाहर आएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। 7 फीट गड्ढे में भूमिगत समाधि में बाबा थे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। भूमिगत समाधि के बाद आज बाहर आएंगे बाबा। मंत्रोच्चारण के साथ और संतों की मौजूदगी में बाबा बाहर आएंगे और अब से थोड़ी देर बाद बाबा को बाहर लाया जाएगा। ये बड़ी खबर। एक तरफ देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। तो संतों की मौजूदगी में और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ बाबा को बाहर लाया जाएगा। आपको बता दें कि 7 फीट गहरे गड्ढे में भूमिगत समाधि में थे बाबा। सम्मान जुड़े हुए हैं उसके साथ में, यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर बाबा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा बाहर निकल चुके हैं, संतों की मौजूदगी में उन्हें बाहर निकाला गया है। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें बाहर निकाला गया है। काफी वर्ष पहले उन्होंने भूमिगत समाधि ली थी, जिसके बाद से आज उन्हें बाहर निकाला गया है। सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर। News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीवी स्क्रीन पर आप ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप देख रहे हैं। क्योंकि जो पिछले 72 घंटे में से भक्ति में लीन थे और आज का समय तय किया गया था 11:10 का, और जैसे ही 11:10 हुए अब उनकी भूमिगत समाधि वो खत्म हो गई है। सैकड़ों की संख्या में उनके जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो जय कारे के यहाँ पर नारे लगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन और यहाँ पर स्थानीय अधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इसके साथ साथ पुरुषोत्तम नंद से भूमि का समाधि से बाहर निकलेंगे। उसके बाद उनका मेडिकल जांच भी की जाएगी और उसकी भी यहां पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है। बड़ा ही ये कह सकते हैं, उनकी तरफ से पहले परमिशन मांगी गई थी स्थानीय प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन ने परमिशन भी दे दी गई थी, लेकिन जब तैयारियां शुरू हो गई थी भूमिगत समाधि की तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि परमिशन स्थानीय प्रशासन की तरफ से निरस्त कर दी गई थी। फिर एफिडेविट साइन करवाया गया था, फिर उन सबके बीच 3 दिन पहले 72 घंटे पहले यानी आप अभी से 72 घंटे पहले उन्होंने समाधि ली थी और ये समाधि की अब वो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें से पुरुषोत्तम नंद महाराज, बाबा पुरुषोत्तम नंद महाराज अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, संतों की मौजूदगी में वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधी जहाँ से बाहर निकलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं पुरुषोत्तम नंद महाराज। कैमरामैन खेमचंद के साथ शबनम अहमद, News24 भोपाल। तो ये एक्सक्लूसिव खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। News24 मध्य प्रदेश की टीवी स्क्रीन पर आप ये बड़ी अपडेट इस वक्त की देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 7 फीट गहरे गड्ढे में बाबा कई वर्षों पहले इन्होंने समाधि ले ली थी, जिन्हें आज बाहर निकाला जा चुका है। और आपको बता दें कि अब बाहर निकालने के बाद अब इन्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, इनका मेडिकल चेकअप होगा और फिर आगे का जो कार्यकाल होगा वो डिसाइड किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। मंत्रोच्चारण के साथ और संतों की मौजूदगी में उन्हें बाहर निकाला गया है। ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से बाबा को बाहर लाया गया है। सारे संत उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राजा सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं। बड़ा
तो बाबा को अब बाहर निकाला जा चुका है। मंत्रोच्चारण के साथ संतों की मौजूदगी में उन्हें बाहर लाया गया है और ये दोनों तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सीधे आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से बाबा को बाहर लाया जा रहा है और दूसरी तस्वीर जो है वो मंदिर की तस्वीर दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि बाबा जो थे वो कई वर्षों पहले उन्होंने भूमिगत समाधि ले ली थी जिसके बाद से आज उन्हें बाहर निकाला गया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पूरे संतों की मौजूदगी में उन्हें बाहर लाया गया है। 7 फीट गहरे गड्ढे में बाबा ने समाधि ली थी। तो एक्सक्लूसिव खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां आपको बता दें कि भू समाधि से बाहर निकाला गया है बाबा को और 7 फीट गहरे गड्ढे में उन्होंने समाधि ली थी जिसके बाद से आज उन्हें बाहर निकाला गया है संतों की मौजूदगी में और पूरे पूजा पाठ के साथ मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें आज बाहर निकाला गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी परमिशन के बाद उन्हें बाहर आज निकाला गया है और सबसे पहले उन्हें उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और फिर उसके बाद जो भी उनका आगे का कार्यक्रम होगा वो डिसाइड किया जाएगा। तो अभी ये जो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से बाबा को बाहर निकाला गया है, भू समाधि से उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, उनके साथ संत भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ एक पूजा पाठ के साथ पूरे विधि विधान के साथ उन्हें आज बाहर निकाला गया है। कई वर्ष पहले बाबा ने भू समाधि ले ली थी जिसके बाद से आज उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी देखिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने आपको दिखा रहे हैं न्यूज़24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप देख रहे हैं जहां बाबा को कई वर्षों बाद आज बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि बाबा ने कई वर्षों पहले यहां पर भू समाधि ले ली थी जिसके बाद से आज उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। 7 फीट गहरे गड्ढे में बाबा ने भू समाधि ली थी जिसके बाद से आज संतों ने उन्हें बाहर निकाल लिया है। पूजा पाठ के साथ विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ आज बाबा को बाहर निकाला गया है। काफी लोग भी वहां पर मौजूद है इस वक्त, स्थानीय प्रशासन भी वहां पर इस वक्त मौजूद है जैसे कि तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि काफी भीड़ नजर आ रही है। देखिए दो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने जो है, एक तरफ मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।